ये देखिए, ये पुराना वाला मंदिर है जो लोग पहले इसमें पूजा करने आते थे, जो गांव वालों ने स्थापित किया था ना इस मंदिर की कहानी। एक्चुअली में गाइस, ग्वालियर में बंदर को देखने तो आपको बहुत ही कम मिलेंगे। जैसे अगर आप मान लो यूपी में आगरा जाते हो, तो आगरा साइड, मथुरा साइड, इस साइड तो बहुत ज्यादा बंदर है। टंटन एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, अभी आप देख रहे हो मैं काला कोट पहना हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं घूमने, और पीछे मेरे कुछ दोस्त भी खड़े हैं, वो भी अपनी वीडियो शूट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ ऐसा मंदिर जो कि पहाड़ियों पर बना हुआ है, काफी प्राचीन मंदिर है। तो अभी आप मेरे पीछे का नजारा देख रहे हैं, हरियाली हर जगह। तो ये देखिए, बीच में हाईवे, काफी अच्छा नजारा है। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल करिए सब्सक्राइब। तो चलिए चलते हैं। A few moments later. Guys, finally, मैं आ चुका हूँ टेम्पल पर, और अभी लेते हैं प्रसाद और फिर चलते हैं अंदर। और इस यहाँ पर शनिवार के दिन जो वो काफी ज्यादा भीड़ रहती है। अभी आप देख सकते हैं पीछे सब खाली पड़ा हुआ है, बिकॉज आज है 26 जनवरी। तो लोग अलग अलग जगहों पर घूमने गए हैं और हम आ चुके थे मंदिर, तो इसके अंदर चलते हैं। जब यहाँ पर शनिश्चर अमावस पड़ती है ना, तो काफी ज्यादा भीड़ होती है, लोग जो है इधर से घूम घूम कर अंदर जाते हैं। और ये देखिए पीछे, इधर होता है भंडारा, तो अभी भंडारा तो बंद है, तो अभी प्रसाद लेके चलते हैं डायरेक्टली अंदर। हाँ भी यार, व्लॉग भाई कहाँ जा रहे हो? अरे यार, थोड़ा देखने जा रहे थे साइड क्या है, मतलब यार अच्छा देख रहे हैं यार। हाँ। जाओ देख के आओ। ओ मनीष माजी, लेंस लाकर शूट कर रहे हो? शॉट भी खिलाएंगे। हाँ प्रसाद खिलाएंगे, प्रसाद। तो अभी हमने प्रसाद जो है ले लिया है, तो ये देखिए कैसे देख रहा है। अब इसको आधे में प्रसाद डालेंगे। चलो भाई ले लिया। तो भाइयों, आप पीछे का जो नजारा दिख रहा है ना, जब शनिवार के दिन होता है ना, तो यहाँ पर जो है पार्किंग लगाई दी जाती है, और 10-10 रुपए की पर्ची वहां से कटती है। अभी तो कुछ भी नहीं लगा इधर। और ये है पीछे का नजारा मंदिर के अंदर का। और जब ये शनिश्चरी अमावस होती है ना, तो ये पूरा सजा दिया जाता है, काफी अच्छा लगता है जब ये सज जाता है। और इधर तक तो गाड़ी आनी भी नहीं देते, वहीं पर गाड़ी जो खड़ी हो जाती है, पार्किंग बन जाती है सारी। तो अभी तो सब खाली है, देखिए प्रसाद की दुकानें भी बहुत ही कम खुली हुई हैं। तो अभी अंदर चलते हैं और अंदर का नजारा मैं आपको दिखाता हूँ। अबे ये कैसे निकल रहा है बे? वाह, इनको रास्ता नहीं मिला। शनिश्चर अमावस होती है तो यहाँ से जाते हैं बहुत से लोग, तो उसी से जाना ही पड़ता है, इधर से कम ही आने देते। जब अभी थी ना जो, बहुत सा ज्यादा अंदर से पहले। तो ये देखिए, जाने कितना पुराना कुआं बना हुआ है, प्राचीन कुआं के नाम से। अरे बंद है ये तो। इसके अंदर तो भंडारा चलता है, अभी बंद है। अरे यार, आज हमको भंडारा खाने नहीं मिलेगा। भंडारा तो तभी मिलता है शनिवार के दिन, शनिश्चर अमावस के दिन तो बहुत मिलता है। तो यह मंदिर के पीछे का नजारा, सॉरी एंट्रेंस है ये, अंदर जाने का एंट्रेंस। तो अभी ये बन चुका है, पहले ये बना नहीं था। और ये देखिए, जब शनिश्चर अमावस होती है ना, तो इधर से घूम करके इधर से आते हैं, और इधर से ये एंट्रेंस से अंदर जाते हैं डायरेक्ट। तो देखना अभी कितना नीचा है मंदिर, इससे अभी हमको और नीचे जाना पड़ेगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से ये नजारा मंदिर का, और ये एक कुंड बना हुआ है इधर। तो ये देखिए सामने है शनिदेव। अरे इन जाली को यूज तो जब ही होता है जब ज्यादा भीड़ होती है, उसके लिए होता है ये सारा। वो ये देखिए सामने शनिदेव का नजारा, शनिदेव के दर्शन, जय जय शनिदेव। तो मेरे सर में इतनी ठंडी हवा लग चुकी है ना, मेरे सर दर्द सा होने लगा है थोड़ा थोड़ा। तो अभी आपको मैं सारा मंदिर का नजारा दिखाऊंगा अंदर चल के। तो देखिए कितनी अंदर जाके चलना पड़ता है। तो दोस्तों, अभी धूप में आकर इतनी रात मिली है ना, ठंडी सी लगने लगी थी सर की वजह से। और वैसे भी हम टोपा वगैरह कुछ कैप वगैरह लगा कर तो आए नहीं है इसलिए। और ये देखिए मंदिर पे कितनी सारी सीढ़ियां बनी हुई, पर ये जगह बन चुकी है, ये पहले नहीं बनी हुई थी। और एक बार जब मैं आया था ना, तब इतनी जोर से बारिश हुई थी यहाँ पर कि जितनी भी चप्पलें थी ना, सब बह गई थी। तो अभी ऊपर चल के आपको और नज़ारा दिखाता हूँ थोड़ा। तो ये देखिए पीछे के मंदिर का नज़ारा है, उधर से हम आए थे, उधर से देखिए कितने नीचे आए थे यहाँ पर। और ये सामने शनिदेव का मंदिर है, ये हनुमान जी का मंदिर है। वो देखिए पीछे का नज़ारा, कितनी हरियाली लग रही है अच्छी। और ऊपर चल के देखते हैं, तो ये देखिए कितने सारे खंडे पड़े हुए हैं ऊपर, तो इसके ऊपर चलते हैं।
ये देखिए पीछे पूरी खाई सी लगती है एकदम देखने में इधर। ये देखिए खाई है कितनी गहरी सी लग रही है खाई, इधर से कितने कपड़ा पड़े हुए हैं देखिए। और ये नीचे का नजारा है इसका, अभी चलते हैं ऊपर। तो ये देखिए अभी मैं और ऊपर आ गया हूँ, इधर देखिए कितनी सारी झाड़ियां हैं। तो गाइस इस मंदिर के पीछे बहुत सारा जो है जंगल सा पड़ा हुआ है, अगर हम उधर जाएंगे ना तो सब जगह जंगल है उधर। वायदा भी इधर पीछे जाने का रास्ता भी है, पूरा जंगल है उधर। तो उधर हम ट्राई करके देखेंगे अगर जाते हैं तो क्या माहौल है। मैंने एक्चुअली अभी तक मैंने भी नहीं देखा मंदिर पे, तो काफी बार आ चुका हूँ। तो ये देखिए कहाँ पे जाके वीडियो शूट कर रहा है, चल मैं भी आ रहा हूँ। हाँ रिस्क है तो इसके वो, ये तो कांटे वाला पेड़ है। तो अभी मैं आपको इधर का नजारा दिखाता हूँ, ये देखिए कितना अच्छा नजारा लग रहा है, बाघ जैसा एकदम। कुत्ते तो बहुत सारे हैं, बंदर नहीं है, कुत्ते ज्यादा हैं इधर। इधर से तो ताला लगा है पहले, इधर से एक जाने की रास्ता था पहले, लेकिन अभी जो बंदर इधर ये सब जो बना हुआ है ना इधर, देखिए इधर पहले एक पुराना मंदिर था, मैं अभी आपको पास से दिखाता हूँ। तो इधर पे एक पहले पुराना मंदिर बना हुआ था और ये नया वाला मंदिर तो अभी बना है। जब ज्यादा भीड़ होती है ना लोग तब ये नहाने के काम में आता है, जो पीछे जो बना है ना ये। ये देखिए ये पुराना वाला मंदिर है, जो लोग पहले इसमें पूजा करने आते थे, जो गांव वालों ने स्थापित किया था ना। इस मंदिर की कहानी बहुत बड़ी है। तो ये देखिए कुत्ते इधर बहुत हैं, बंदर तो इधर बहुत ही कम मिलेंगे देखने को। एक्चुअली में गाइस ग्वालियर में बंदर को देखने तो आपको बहुत ही कम मिलेंगे, जैसे अगर आप मान लो यूपी में आगरा जाते हो तो आगरा साइड मथुरा साइड इस साइड तो बहुत ज्यादा बंदर है, और एमपी में ख्याल से तो बहुत ही कम मिलते हैं बंदर देखने को, ज्यादातर यूपी साइड ज्यादा मिलते हैं। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को करिए लाइक और चैनल को करिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।